दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा Moto G 84 के साथ Realme 11 5G। सो दोनों फोन ही 5G नेटवर्क सपोर्टेड फोन है और आज के रेट में अगर आप प्राइस चेक करोगे तो दोनों फोन ही आप लोगों को मिल जाएगा 19,000 से 20,000 के अंदर। सो अराउंड 20,000 आप लोगों को दोनों फोन ही मिल जाएगा। तो चलिए दोनों फोन ही 5G नेटवर्क सपोर्टेड फोन है और यहाँ पे दोनों फोनों का बजट भी सेम है। तो चलिए बाकी जितना सारा फीचर्स है चलिए देख लेते हैं। तो सारा फीचर्स से कंपैरिजन करते करते मैं साथ में ये भी बताऊंगा कौन सा फोन में कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन शुरू करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को Realme 11 5G यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन वाइज आपको ज्यादा बड़ा फोन मिलता है, क्योंकि Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को थिकनेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 8.05 mm। एंड कंपेयर टू अगर आप कंपेयर करोगे Moto G 84 5G यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 7.6 mm। एंड हाइट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है Moto G 84 यहाँ पे आप लोगों को हाइट मिलता है 160 mm, बट Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को हाइट मिल जाएगा 165.7 mm। सो डायमेंशन वाइज Realme 11 5G थोड़ा बड़ा दिखता है। वेट की बात करें तो यहाँ पे Moto G 84 यहाँ पे आप लोगों को वजन आप लोगों को मिल जाएगा 166.8 ग्राम एंड Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को वजन मिलता है 190 ग्राम। तो अगर आप वजन को कंपेयर करोगे वेट को कंपेयर करोगे तो Moto G 84 ऑलमोस्ट यहाँ पे 23 ग्राम लाइटर है। नेक्स्ट अगर बैक पैनल मटेरियल की बात करें तो Moto G 84 यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक एंड लेदर का आप लोगों को बैक पैनल मिल जाएगा, Realme यहाँ पे ओनली प्लास्टिक का मिलता है। और जो लेदर यहाँ पे वेगन लेदर है Moto G 84 5G इसका पीछे बैक पैनल में दिखने में बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट अगर रैम एंड रोम की बात करें तो Moto G 84 यहाँ पे स्पेस वाइज 12GB 256GB एक ही वेरिएंट मिलता है, जिसका आज के डेट में मार्केट प्राइस है ओनली 19,000 के आसपास। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को 3GB वर्चुअल रैम भी मिलता है। तो Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को स्पेस वाइज दो वेरिएंट यहाँ पे मिलता है 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। तो 8GB 128GB इसका आज के डेट में प्राइस है अराउंड 19,000 और 8GB 256GB इसका आज के डेट में प्राइस है अराउंड 20,000। सो और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8GB वर्चुअल रैम मिलता है एंड मेमोरी को आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं आपको 2TB। सो अगर स्पेस वाइज देखोगे तो अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो Moto G 84 आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए 8GB से ज़्यादा रैम चाहिए तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए Moto G 84, क्योंकि यहाँ पे 12GB पॉसिबल है, Realme में 12GB वेरिएंट नहीं है। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले Moto G 84 के बाद पहले करेंगे। यहाँ पे 6.55 इंच 120Hz फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा एंड Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को 6.72 इंच 120Hz फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को LCD डिस्प्ले मिलता है और Moto G 84 यहाँ पे आप लोगों को पोलर डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा। ब्राइटनेस की बात करते हैं यहाँ पे Moto G 84 5G यहाँ पे आप लोगों को 1300 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलता है और Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को 550 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलता है। तो ब्राइटनेस का डिजिट में फर्क होगा क्योंकि डिस्प्ले पैनल का मटेरियल अलग है, LCD वर्सेस पोलेड है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं Moto G 84 यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को मिल जाएगा ऑलमोस्ट 86% के आसपास एंड Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा अराउंड 90% के आसपास। एंड बाकी सब जितना सारा है जैसे रिजोल्यूशन एस्पेक्ट रेशियो टच सैंपलिंग रेट एंड पंचुअल डिस्प्ले वगैरह जितना सारा होता है सब कुछ यहाँ पे सेम ही मिलेगा। सो डिस्प्ले वाइज आप लोगों को अच्छे क्वालिटी का, अगर आपको पोलेट चाहिए एमोलेट चाहिए तो आपको Moto G 84 खरीदना होगा और LCD में अगर आप खुश हो तो आप ले सकते हो Realme 11 5G। तो सारा कुछ मिला लोगे तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, एमोलेट डिस्प्ले ऑलवेज बेटर देन एनी LCD डिस्प्ले। सो अगर आपको एमोलेट चाहिए तो Moto G 84 आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट अगर प्रोसेसिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल Moto G 84 5G यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा Snapdragon 695X6nm प्रोसेसर। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक स्पीड भी 2.2 GHz मिलता है एंड Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाएगा MediaTek Dimensity 6100 प्लस 6nm बेस्ड प्रोसेसर है और क्लॉक स्पीड सेम ही है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसर को कंपेयर करोगे तो आपको बेटर क्वालिटी का प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाएगा 695 Snapdragon 695 एक प्रोसेसर। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात करोगे तो आपको बेटर प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाएगा Moto G 84 5G में, क्योंकि यहाँ पे है Snapdragon 695 एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड एक प्रोसेसर है यहाँ पे, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। दोनों में आप लोगों को Android 13 का सपोर्ट मिलता है। सो प्रोसेसर वाइज आप लोगों को बेटर क्वालिटी का प्रोसेसर आप लोगों को Moto G 84 5G में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बैटरी एंड चार्जर की बात करते हैं, देखिए Moto G 84 एंड Realme 11 5G दोनों में आप लोगों को 5000 mAh के बैटरी में दिया जाता है यहाँ पे और उसके साथ आप लोगों को Moto G 84 यहाँ पे 33W का चार्जर मिलता है और उसके साथ साथ Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को 67W का चार्जर मिलता है। सो चार्जर वाइज Realme 11 5G थोड़ा एडवांस है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर कैमरा कॉन्फ़िगरेशन की बात करते, देखिए फर्स्ट बात करेंगे Moto G 84 5G यहाँ पे आप लोगों को दो कैमरा मिलता है पीछे की तरफ, 50MP का कैमरा वाइज कैमरा यहाँ पे मिलता है और उसके बाद यहाँ पे 8MP का एक वाइड एंगल यहाँ पे कैमरा है। और Realme 11 5G यहाँ पे आप लोगों को
पीछे की तरफ एक 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक दूसरा कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा। और रियलमी यहाँ पे 3x सेंसर जूम भी आप लोगों को मिल जाएगा। मोटो G84 यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट 16 मेगापिक्सल एंड रियलमी 11 5G यहाँ पे भी आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। नेक्स्ट अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, दोनों फोनों में आप लोग फुल HD आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो अगर आप सारा कुछ मिला लोगे, ओवरऑल अगर बात करें तो आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का कैमरा मिल जाएगा रियलमी 11 5G यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 3x यहाँ सेंसर जूम भी है, 20x डिजिटल जूम भी है। सो यहाँ पे थोड़ा बेटर क्वालिटी का आप लोगों को कैमरा मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए दोनों फोन यहाँ पे 5G नेटवर्क सपोर्टेड फोन है, बट यहाँ पे आप लोगों को मोटो G84 यहाँ पे ब्लूटूथ वर्सन आप लोगों को मिल जाएगा 5.1 एंड रियलमी 11 5G यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ वर्सन आप लोगों को मिल जाएगा 5.2 एंड मोटो G84 यहाँ पे आप लोगों को NFC का सपोर्ट मिलता है, रियलमी 11 5G यहाँ पे NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी सब में आप लोगों को 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई सब में आप लोगों को मिल जाएगा। ऑडियो सपोर्ट की बात करें तो मोटो G84 यहाँ पे आप लोगों को डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। रियलमी 11 5G यहाँ पे आप लोगों को हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन मिलता है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं तो मोटो G84 यहाँ पे आप लोगों को IP54 का प्रोटेक्शन मिलता है, ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर आप लोगों को मिल जाएगा और उसके साथ साथ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। नेक्स्ट अगर रियलमी 11 5G इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वाईफाई N1 का सपोर्ट मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड एंड सिम कार्ड स्लॉट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों ये था छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन मोटो G84 के साथ रियलमी 11 5G से। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।